नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सूरत में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, फैशन की दुकान खोलकर पाकिस्तान भेजता था गोपनीय जानकारियां। गुजरात के सूरत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है। आरोपी का नाम दीपक किशोर भाई सालोके है। वह यहां रहकर गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को शेयर करता था। सूरत की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। गुजरात के सूरत में मंगलवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच ने दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर छापा मारा और दीपक किशोर भाई सालोके नाम के आरोपी को अरेस्ट कर लिया। क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी सूरत में आम नागरिकों की तरह रहकर जासूसी करता था। जानकारी के मुताबिक दीपक किशोर भाई सालोके उम्र 33 साल सूरत में भुवनेश्वरी नगर इलाके की योगेश्वर पार्क सोसाइटी में रहता है। वो आईएसआई के लिए एक रेजिडेंट एजेंट के रूप में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियां भी सामान्य नागरिकों की तरह थी। दीपक सूरत में रहकर एक फाइनेंशियल मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, जो महत्वपूर्ण जानकारी देने के एवज में पैसे रिसीव और ट्रांसफर करता था। आईएसआई एजेंट दीपक किशोर पाकिस्तान के दो हैंडलर हामिद और काशिफ के संपर्क में था और इन पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संवेदनशील सूचनाओं को शेयर करता था। पाकिस्तानी हैंडलर्स आरोपी से जो भी सूचना मांगते थे उसके बारे में ये पता करता था। आरोपी इतना शातिर है कि उसने खुद पर किसी को शक ना हो, इसलिए सूरत में साई फैशन नाम से एक दुकान खोली और इसे संचालित करता था। बताते हैं कि दुकान में रहकर आरोपी अपनी जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई के लिए ISI एजेंट को SOG को सौंपा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ करेंगे। उससे कई बड़ी जानकारियां हाथ लगने की उम्मीद है। सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी कि यह पाकिस्तान के किसी ISI एजेंट के साथ संपर्क में है। यह व्यक्ति जिसका नाम है दीपक सालोके, जे जो डिंडोली योगेश्वर पार्क में रहता है, इसकी उम्र लगभग 32 साल की है। कोरोना से पहले ये साई फैशन नाम का एक दुकान में अपना बिजनेस करता था, लेकिन कोरोना टाइम के बाद इसने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का काम शुरू किया था। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के इस काम के दरमियान ही किसी ने इससे व्हाट्सएप पे संपर्क किया कि क्या पाकिस्तानी रुपी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने का काम ये कर सकता है। इसने कहा कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह की व्हाट्सएप चैट के आधार पे जो पूनम शर्मा के नाम पे जो अकाउंट था, उस अकाउंट से किसी ने इसको बताया कि मैं पाकिस्तान ISI के लिए काम करता हूँ, मेरा नाम हमीद है, और ये उसके साथ संपर्क में आया। बाद में उसने इससे इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्या तुम भारतीय सेना की कुछ माहिती हमें दे सकते हो। इसने कहा कि हाँ, मैं दे सकता हूँ। ये इनकी चैट की डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा भी की जाएगी। इस तरह की सभी बातों के लिए पाकिस्तानी एजेंट के तरफ से USDT प्लेटफॉर्म पर बाइनांस अकाउंट, जो क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए प्लेटफॉर्म है, उसके थ्री कुल लगभग 75,000 रुपया भी इसके अकाउंट में आया है। ये सारी चीज़ें राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है। IPC सेक्शन 121A और 120 के तहत इसके विरुद्ध में केस दर्ज किया गया है और पुलिस पूरी डिटेल छानबीन इस सारी चीज़ की करेगी। बाकी कंसर्न एजेंसीज के साथ भी हमारा संपर्क है, उनको साथ लेके भी इसकी तह तक जाने का पूरा प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ? 75,256 रुपये। उसमें इसके बताए अनुसार कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स थे जो इसने YouTube और
गूगल से लिए थे, लेकिन अभी इसके बताए को हम 100% सच नहीं मान सकते। डिटेल्ड इंटरोगेशन, इसको अरेस्ट किया गया है, इसकी रिमांड ली जाएगी और पूरा सत्य उसके बाद जानने को मिलेगा। सर, इसका कोई कनेक्शन ऐसा हो कि कोई आर्मी बेस या किसी भी नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ हो या कभी काम किया हो? इस सारी चीज़ के बारे में अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस प्रयास करेगी कि यदि इस तरह का कोई संपर्क सूत्र है तो उसका भी पता लगेगा। और जैसा मैंने बताया, कंसर्न बाकी सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी हम लोग संकलन करके इसकी तह तक जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड टैक्टिक है जिसका कोई भी विदेशी एजेंसी उपयोग करती रही है, हमारे ध्यान पे भी है। ये सभी नागरिकों से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि किसी इस तरह के शंकास्पद आदमी के साथ चैट भी ना करें और किसी तरह की इंफॉर्मेशन की गिव एंड टेक भी ना करें। हमीद के बारे में अभी हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो अभी तक FIR जो दर्ज की गई है, यहाँ तक जो जानने को मिला है, उसके अनुसार हमीद जो पूनम शर्मा के नाम से व्हाट्सएप पे चैट करता था, उसके बताए अनुसार वो पाकिस्तानी ISI के लिए काम करता है, लेकिन इसकी सत्यता के खराई करने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ ध्यान पे नहीं आई है कि ये किसी आर्मी लोकेशन पे गया था, लेकिन ये भी तपास का विषय है। मूल तो महाराष्ट्र में है, लेकिन सूरत में काफी साल से रहता है। तो सर, गूगल से और इसने व्हाट्सएप चैट से जो आदान प्रदान किया जानकारी का, अभी तक इसके बताए अनुसार यही है। सर, व्हाट्सएप डिटेल में कुछ और मिले कि एक से अधिक व्यक्ति के संपर्क में रहा? मैडम, ये इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, अभी मैं सारी चीज आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।